तो हेलो गाइस, मेरा नाम है मेंग, तो स्वागत है आपका एक GTA 5 की वीडियो में। तो गाइस यार, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब बढ़िया होंगे। तो गाइस, अगर आपने पिछला एपिसोड देखा होगा तो आपको पता होगा अमेंडा, ट्रेसी एंड जिमी, इन तीनों का एक्सीडेंट हो गया है। अब मेरे को नहीं पता कि इनका एक्सीडेंट हो कैसे गया है, लेकिन यार मेरे को किसी रैंडम पर्सन का अमेंडा के नंबर से कॉल आया था और उसने बोला था कि इन तीनों का एक्सीडेंट हो गया, शायद से तुम्हारी वाइफ, सन एंड डॉटर है। तो गाइस, हम लोग पहुंच तो चुके हैं इस लोकेशन पर जहां पर इनका एक्सीडेंट हुआ है। और देख रहो कितना बड़ा बैनर है, लेकिन मैं बैनर को क्यों देख रहा हूं, लेकिन अपनी फैमिली यहां पर बहुत ज्यादा सीरियस कंडीशन में है। और एक मिनट यार, जल्दी से ना इन पैरामेडिक वालों से बातचीत करते हैं, क्योंकि ये लोग बोल रहे थे कि जिमी जो तुम्हारा लड़का है शायद से वो कुछ ज्यादा ही सीरियस है। इस टाइम पर देख रहे हो गाइस, दोनों एम्बुलेंस में उन तीनों को लोड तो करवा दिया है और पैरामेडिक्स वाले यहाँ से ना उन दोनों एम्बुलेंस को लेकर के जा रहे हैं नज़दीकी हॉस्पिटल में। और यहाँ पर इन पुलिस वालों ने मेरे को बिल्कुल भी नहीं जाने दिया। ये कह रहे हैं कि अगर वो तुम्हारे रियल में वाइफ, डॉटर एंड सन है तो तुम्हें हमें उनके बारे में सब कुछ बताना होगा कि वो ड्रंक थे कि क्या थे। और मैंने बोला कि देखो मैम, मैं तुम्हें सब कुछ बता तो दूंगा, लेकिन ये एक्सीडेंट हुआ कैसे है वो बस मेरे को बता दो। लेकिन गाइस, ये लोग बोल रहे हैं कि एक्सीडेंट एक मर्सिडीज गाड़ी से हुआ है। देखो यार, वो रही अपनी रेंज रोवर जो पूरा बेकार हो चुकी है, और ये जो मर्सिडीज गाड़ी है जो इसका ड्राइवर है वो तो ना गाइस नीचे ब्रिज से गिर गया था और गिरते ही खत्म हो गया था। और यहाँ पर अपनी क्रोम कलर की जो गाड़ी थी, अब गाड़ी छोड़ो जितनी मर्जी महंगी हो, लेकिन इस टाइम पर ना पूरी बर्बाद हो गई है। और मैंने बहनी को कॉल कर दिया है, लेकिन यार मैं सोच रहा था कि इस गाड़ी को गैराज तक भेज दूंगा, लेकिन ये पुलिस वाले कह रहे कि इतना भी ज़्यादा आसान नहीं है ऐसा करना कि तुम अपने मैकेनिक को बुला रहे हो और कुछ भी कर रहे हो। ये ना सीधा जाएगी इस टाइम पर पुलिस स्टेशन दोनों की दोनों गाड़ियाँ। गाइस, जो ये रेड मर्सिडीज का ड्राइवर है उसकी तो डेथ गिरती हो गई है, और ये लोग तो यही बोल रहे हैं कि उसकी फैमिली को हमने इन्फॉर्म कर दिया है और उसकी फैमिली उसको ग्रेवयार्ड ले गई है। लेकिन जो तुम्हारी वाइफ, डॉटर एंड सन, वाइफ एंड डॉटर तो सही है, लेकिन जो सन है ना उसकी थोड़ी सी सीरियस ही हालत है। चांसेस हैं कि यार 60% वो ना बच पाए, 40% चांसेस हैं कि शायद से वो बच पाए। तो गाइस, जल्दी से ना इनसे बातचीत करते हैं और जो भी पेपर वर्क है वो करता है, क्योंकि ये लोग ना इस गाड़ी को पुलिस स्टेशन पर लेकर के जाएंगे और बाद में हमें इसको उधर से लेकर के आना पड़ेगा। जो भी सीन है मैं अभी आपको बताता हूँ इनसे पूछ के। ये कह रही है कि इस टाइम पर अपना घर का एड्रेस, अपनी सारी इन्फॉर्मेशन एक नोटबुक पर लिख करके दे दो। इसने मेरे को यार ये डायरी दिया है, तो जल्दी से ना इसको सारी इन्फॉर्मेशन वगैरह फिल करके दे देते हैं और उसके बाद निकलते हैं यहाँ से। और हाँ यार, इस टाइम पर मैंने सब कुछ तो लिख दिया है, और जल्दी से ना इन मैम को देते हैं और चलते हैं फ्रैंकलिन यहाँ से सीधा नज़दीकी हॉस्पिटल पर। हाँ तो गाइस, मैंने ना सारी इन्फॉर्मेशन वगैरह तो इनको दे दिया है, अब जल्दी से ना हम लोग चलते हैं। और बाकी यार, मेरे को सही में बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा है। मैंने यार अपनी फैमिली के भी लग रहा है जिससे एक्सीडेंट हुआ है, उसकी बेचारे की उसी मौके पर डेथ हो गई है, उसके लिए भी बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा है। और हाँ यार, देखो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को एक ही बात कहूँगा कि वीडियो को पूरा देखो एंड तक। और वीडियो पर अगर आप लोग न्यू हो तो वीडियो को लाइक करो, लाइक एम पूरे 10,000 का है। और चैनल पर नया चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लो। और देखो गाइस, लाइक सबसे पहले कर दो वीडियो को, लाइक एम 10,000 का। जितनी जल्दी आप लाइक एम कंप्लीट करोगे उतनी जल्दी आपको वीडियो मिलेगी। तो भगाता हूँ अपनी गाड़ी को इधर से। ओके तो गाइस, इस टाइम पर मैं अपनी वुडो गाड़ी को लेकर के फ्रैंकलिन के साथ पहुंच चुका हूँ सीधा नज़दीकी हॉस्पिटल जो है पिलबॉक्स। अब जल्दी से ना हम लोग अपनी गाड़ी को यहाँ पर पार्किंग में लगा देते हैं। और उसके बाद जो एम्बुलेंस है उनका मेरे को कॉल आया था, वो कह रहे हैं कि सर हम लोग आपकी फैमिली को लेकर के पहुँच गए हैं हॉस्पिटल में। तो फ्रैंकलिन एक काम कर, तू गाड़ी में बैठा रहे, और हाँ यार मैं चलता हूँ सीधा अकेला आगे की तरफ। और यार जो भी पैसा वगैरह वो अपने को पे करना पड़ेगा, मैं ऑनलाइन उनको अपने मोबाइल से पे कर दूंगा। और ये है दोनों एम्बुलेंस जो कि यहाँ तक पहुँच चुकी हैं। और मेरे को यहाँ पता नहीं किसी डॉक्टर का पता नहीं किसका कॉल आ गया था, वो कह रहे हैं कि जल्दी से सर अगर आप आओगे तो जो आपका लड़का है उसका ऑपरेशन वगैरह स्टार्ट होगा, तो पूरे के पूरे पैसे चाहिए होंगे। तो जल्दी से ना यहाँ पर कितने 14 पेशेंट्स वगैरह बैठे हैं, तो एक बार इनसे बातचीत कर लेते हैं। ओके तो गाइस, इस टाइम पर मेरी इस नर्स से बात तो हो चुकी है, और ये बोल रहे हैं कि बैक साइड में एक ऑपरेशन थिएटर है और वहाँ पर आपकी फैमिली तो नहीं है, मतलब आपका सन है। और देखो गाइस, ये वही ऑपरेशन रूम है, और सामने की तरफ जिमी को कैसे इन्होंने ना उस टेबल के ऊपर लिटा रखा है, और ये लॉक है, हम लोग इसके अंदर नहीं जा सकते। और बाकी अमेंडा एंड ट्रेसी, उनका ट्रीटमेंट थोड़ा पीछे की तरफ हो रहा है, एक बार ना मैं चल करके देख ही लेता हूँ और इनसे बात करनी पड़ेगी शायद से अपने को। चलो, मेरी उन मैम से बात तो हो गई थी, और यही वो रूम है जहाँ पर अपने को जाना है। और ये है ट्रेसी, इसके पेशेंट वाले कपड़े तो उन्होंने चेंज कर दिए हैं, और वो है अमेंडा,
देख रहे हो गाइस, ये दोनों की हालत फिर भी नॉर्मल है, लेकिन जो जिमी है उसकी कुछ ज्यादा कंडीशन खराब है। और एक बार हम लोग डॉक्टर वगैरह से बात कर लेते हैं क्या ही ऑपरेशन में खर्चा आने वाला है और क्या सीन होने वाला है। अपने पास इस टाइम पर थोड़ा बहुत पैसा तो है, और हाँ ये रूम शायद से ओपन है भाई, ओपन है। अब जल्दी से ना हम लोग भी चलते हैं आगे की तरफ। और ये जो पिल बॉक्स है ये बैक साइड है गाइज उसका, जहाँ पर ऑपरेशन वगैरह होते हैं, और यहाँ पर खड़ा है डॉक्टर। एक बार ना इनसे बातचीत करते हैं। ओके तो गाइज, इस टाइम पर मेरी यहाँ पर बात होगी और ये बोल रहे हैं कि $15 मिलियन तुम अभी दे दो और टोटल लगेगा 45, पता नहीं ऐसा ही कुछ मिलियन डॉलर लगने वाला है, क्योंकि गाइज जिमी के कुछ पार्ट्स खराब हो गए हैं। एक तो उसकी जो आई है लेफ्ट वाली वो पूरी डैमेज हो गई है, और ऊपर से जो उसके हैंड में या लेग्स में कोई प्रॉब्लम है। तो गाइज डॉक्टर तो यही कह रहा है कि $45 मिलियन लगेंगे, उससे ज़्यादा नहीं लगेंगे। और तुम एक काम करो, तुम जा कर के ना उधर काउंटर पर पूरी पेमेंट कर दो, तो जल्दी से ना गाइज मेरे पास इस टाइम पर $15 मिलियन है जितना कि डॉक्टर ने बोला है, तो जल्दी से चलता हूँ वहाँ पर जा कर के पूरी पेमेंट कर देता हूँ। चलो भाई अब जल्दी से चलते हैं और ऑनलाइन पे करते हैं। और बाकी ना ये कह रहे हैं कि ठीक है सर, आप इस रूम में एक बार चेक कर सकते हो अपने सन की हालत। और देखो गाइज जिमी का जो ब्लड है इन्होंने रिमूव तो कर दिया है, लेकिन ना वो एक ही चीज़ कह रहा है कि डैड मेरे को बचा लो, और जो चांसेस हैं वो बहुत ज़्यादा कम है। तो जल्दी से ना मैं चलता हूँ यहाँ से, सबसे पहले करते हैं पेमेंट, और वो है यही काउंटर। तो जल्दी से ना अपने को इन वाली मैम को ऑनलाइन पेमेंट करनी है, तो जल्दी से मैम स्कैनर दे दो अपना। देखो गाइस इस टाइम पर मेरे जो बैंक में अमाउंट शो हो रहा है वो $0 शो हो रहा है, और ये शायद से लेस्टर ने निकलवा लिए होंगे पैसे। तो जल्दी से ना मैं लेस्टर को कॉल कर रहा हूँ इस टाइम पर, और उससे एक बार पूछ लेता हूँ कि भाई मजाक क्यों कर रहा है, मेरे को पैसों की ज़रूरत है, शायद से उसने निकलवा लिए होंगे, बाकी उसी के पास मेरे अकाउंट का एक्सेस है और किसी के पास भी नहीं है। यार इस टाइम पर ना मेरी पूरी हालत ख़राब हो गया, क्योंकि पता नहीं भाई लेस्टर तो एक ही बात बोल रहा है कि बिल्कुल भी मैंने तो तेरी पेमेंट को हाथ तक नहीं लगाया माइकल, क्या हो गया भाई। मैं उसको बोल रहा हूँ कि पता नहीं भाई मेरे बैंक में $0 कैसे हो गए हैं, और मेरे को बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा है। वो कह रहा है एक बार तू बैंक जा कर के पता कर, और भाई शायद से कोई नेटवर्क का इशू हो सकता है। तो हाँ यार जल्दी से ना पार्किंग में चलते हैं हम लोग, बैंक जा कर के एक बार ट्राई करते हैं, वहाँ से सीधा कैश लाएंगे। और मैंने नर्स को बोल दिया कि आप सर को बोलो कि यार थोड़ा बहुत ऑपरेशन तो स्टार्ट करें। तो जल्दी से ना अब मैं अपनी गाड़ी को पैक करता हूँ, और भाई फ्रैंकलिन यार कुछ ज़्यादा ही कुछ सीरियस ही प्रॉब्लम हो गई है। मतलब यार जिमी एक तो सीरियस है, ऊपर से भाई पैसा पता नहीं अपने अकाउंट में $0 शो कर रहा है, पता नहीं भाई क्या हो गया। अब जल्दी से ना यहाँ कोई नज़दीकी बैंक पर चलते हैं और वहाँ पर जा कर के ना अपना पूरा अमाउंट चेक करते हैं, लेकिन ATM दिख जाए भाई मज़ा ही आ जाएगा। वैसे ना नॉर्मल यहाँ इधर उधर ATMs होते हैं, लेकिन भाई मिल गया फाइनली ATM अपने को। मेरे को लगा कि अपने को पूरा बैंक जाना पड़ेगा। भाई एक काम कर लेता हूँ जल्दी से, ये लॉस एंड उसका ये ट्रैक हो, जल्दी से अपनी गाड़ी को मैं यहाँ पर करता हूँ पार्क, और ये रहा ATM। यहाँ पर चल के ना पूरा बैलेंस अपना चेक करते हैं। यार मैंने सारा बैलेंस चेक कर लिया है, अब पता नहीं यार $0 हैं पूरे बैंक में भी, और फ्रैंकलिन को भी भरोसा नहीं हो रहा है, कह रहा है कि अब क्या कर सकते हैं। अब भाई मेरे को तो खुद समझ नहीं आ रहा है कि हम लोग क्या कर सकते हैं, लेकिन ऑपरेशन तो स्टार्ट करवाना पड़ेगा, क्योंकि अभी मेरे को डॉक्टर का वापस भी कॉल आया था, कह रहा है कि देखो सर अगर आप जब तक फुल पेमेंट नहीं करोगे ना, मतलब जो हाफ मैंने बोला उतनी $15 मिलियन की, तब तक हम लोग ऑपरेशन को किसी भी हालत में नहीं स्टार्ट कर सकते। फ्रैंकलिन कह रहा है कि ठीक है माइकल एक काम कर, मेरे पास थोड़ा बहुत पैसा है, 15 या 16 मिलियन इसके पास है, तो हम लोग ना ये पेमेंट पहले कर देते हैं चल के डॉक्टर को, और उसके बाद अपने को कहीं ना कहीं से पैसों का जुगाड़ लगाना पड़ेगा। तो जल्दी से ना आ जा भाई फ्रैंकलिन, तेरी जरूरत है मेरे को। चलो गाइस इस टाइम पर जल्दी से ना हम लोग भी चलते हैं अंदर की तरफ, और फ्रैंकलिन कह रहा है कि ठीक है माइकल मैं इस टाइम पर $16 मिलियन इनको पे कर देता हूँ, और ऑपरेशन का जो प्रोसेस है वो हम लोग स्टार्ट करवा देते हैं। अभी फ्रैंकलिन वहाँ नहीं, यहाँ पर पेमेंट करनी है। चलो गाइस फ्रैंकलिन ने इस टाइम पर पूरी $16 मिलियन की पेमेंट तो कर दिया है। अब मेरे को ये समझ नहीं आ रहा है कि अब मेरे को क्या करना चाहिए, क्योंकि जो $0 हैं या तो बैंक से कुछ गड़बड़ हो गई होगी, वैसे कुछ भी नहीं पता। अब जल्दी से ना फ्रैंकलिन कह रहा है कि अपने को ना गाड़ी में चल करके थोड़ा बहुत वेट करना चाहिए कि जिमी का क्या रिस्पॉन्स आ रहा है, क्योंकि डॉक्टर के अकॉर्डिंग उसकी जो हालत है वो 60% है कि वो ना बच पाए, बाकी उसकी आई डैमेज हुई है। और बाकी डॉक्टर कह रहा है कि अभी हम लोग ना प्रोसेस स्टार्ट करते हैं, और उसके बाद आप थोड़ा वेट कर लो। और जल्दी से ना गाइस हम लोग अपनी गाड़ी में बैठ करके वेट करते हैं, आ जा भाई फ्रैंकलिन, और जैसा भी डॉक्टर बोलेगा या तो अनाउंसमेंट वगैरह मतलब जो भी कुछ होगा, और उसी अकॉर्डिंग हम लोग देखेंगे थोड़ा।
बैठ जा भाई फ्रैंकलिन जल्दी से। एक तो बैंक वालों को भी अलग ही नशा है, पता नहीं यार इतने ज्यादा पैसे थे अपने अकाउंट में उनको जीरो कर दिया पता नहीं कैसे भाई, या तो कोई ग्लिच होगा या तो कुछ और होगा। गाइस मेरे को यहाँ पर वेट करते करते एक घंटे से कुछ ज़्यादा हो गया है और बाकी डॉक्टर से मेरी पूरी बात हो गई है। मैं वापस अंदर गया था और वो बोल रहा है कि ठीक है तुम्हारे 16 मिलियन डॉलर हमारे पास आ गए हैं और हम लोग बिना ऑपरेशन को स्टार्ट करते हैं। और बाकी ना मेरे को ये चीज़ समझ नहीं आ रही है कि अपने जीरो डॉलर कैसे हो गया। मैंने लेस्टर को भी कॉल करा भाई, लेस्टर मेरा फ़ोन नहीं उठा रहा है, कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं है, लेकिन ये बस टैंग लेस्टर की है और ये कैसे पॉसिबल कैसे है भाई, मेरे को ये चीज़ समझ नहीं आ रही है। लेस्टर अपनी मस्टैंग लेकर के आया, तो एक बार इससे बातचीत करते हैं और देखो गाइस लेस्टर अपने से बातचीत तो कर रहा है। ये कह रहा है कि लास्ट टाइम मस्टैंग मेरे को हाईवे के पास तूने बताई थी और मैंने बैने को वहाँ पर भेजा और इसको रात भर में मॉडिफाई करवाया और मेरी मस्टैंग वापस से हो चुकी है मेरे पास पूरी मॉडिफाई आ करके, मतलब जो भी है रिपेयर हो गई है। और ये कह रहा है कि तेरा बैंक अकाउंट पूरा का पूरा हैक कर लिया किसी ने। यार मेरे को ये चीज़ समझ नहीं आ रही है कि मेरा बैंक अकाउंट कैसे हैक हो गया भाई। लेकिन लेस्टर कह रहा है हाँ ये हो गया है, अब ये तेरे फ़ोन से लास्ट लोकेशन गई है, मतलब जो भी पेमेंट है तेरे फ़ोन से हुआ है। यार मेरे को अब सब कुछ समझ आ गया है क्योंकि जो मेरा मोबाइल है वो तो मेरे पास नहीं है, वो यार अपने जो भी एलरूबी का चेला था उसके बंदों के पास है, जो इस टाइम पर चेला नहीं है कुछ ज़्यादा बड़ा माफिया बनने की ट्राई कर रहा है। लेकिन गाइस वो है भैया तगड़ा माफिया, तो उसने अपना बैंक अकाउंट हैक कर लिया है और जितने भी अपने पास पैसे थे वो सारे ख़त्म हो गए एक तरह से। और लेस्टर कह रहा है कि ठीक है मैं भी तेरी फैमिली को एक बार देख लेता हूँ और डॉक्टर वगैरह से बातचीत कर लेता हूँ, लेकिन मैं इसको बोल रहा हूँ कि जा यार तू अकेला जाया क्योंकि ना इस टाइम पर ऑपरेशन चल रहा है, कैसे भाई ये मिलने नहीं दे सकते भाई, ये दूर से ही देख सकता उनको। और बाकी बात रही यार पैसों की, अब मेरे को पैसों का जुगाड़ लगाना पड़ेगा पूरे 50 मिलियन डॉलर मान के चलो अपने को करने पड़ेंगे, तभी हम लोग जिमी का ऑपरेशन करा सकते हैं। और डॉक्टर कह रहा है जो उसका ब्लड है वो भी अगर मैच हुआ, तो अगर वो ब्लड हमारे पास हुआ तो वो ब्लड भी पैसे लगेंगे एक्स्ट्रा क्योंकि किसी से ब्लड मंगवाना पड़ेगा, ऐसे कुछ सीन है, आई मंगवानी पड़ेगी, बहुत ज़्यादा खर्चा है। तो लेस्टर का वेट करते हैं जब वो आएगा, उसके बाद ना पूछता हूँ भाई अब तो मैं फंस गया हूँ पैसों का जुगाड़ कहाँ से लगाऊँ मैं। इस टाइम पर फ्रैंकलिन बिना गाइस अपने फ्रेंड से कॉल कर रहा है कि कहीं से पैसों का जुगाड़ हो भी सकता है कि नहीं हो सकता। और बाकी लेस्टर को बहुत ज़्यादा टाइम हो गया अंदर की तरफ गए हुए, कहीं ये भी तो बेहोश होकर तो नहीं गिर गया ना उनको देख करके, लेकिन ऐसा नहीं होगा भाई। ओ भाई फाइनली लेस्टर आ चुका है, लेकिन ये कह रहा है कि यार ऐसे कैसे हो गया, इसको भी बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा है और देख रो गाइस इसकी भी हालत बेकार हो गई है। और ये कह रहा है कि डॉक्टर कह रहा है कि पैसे तो लगेंगे और भी ज़्यादा, मतलब 45 मिलियन डॉलर्स पूरे टोटल लगेंगे। यार अब मैं कैसे करूं भाई पैसों का इंतजाम, मेरे को ये चीज़ तो समझ बिल्कुल भी नहीं आ रही है। और लेस्टर कह रहा है कि अब तो अपने को ना कुछ बेचना होगा माइकल, देख तभी हम लोग तेरी फैमिली को बचा सकते हैं। अमेंडा ट्रेसी की हालत तो पूरी सही है और समझ गया भाई लेस्टर भी बहुत ज़्यादा दुखी है, तो कह रहा है देख यार जो मैक्लारन है उसको सेल कर दे और बाकी उससे देख यार कितने पैसे मिलेंगे। और इस टाइम पर लेस्टर कह रहा है कि मैं बैनी से बातचीत करता हूँ फ़ोन करके, उससे अगर कोई कस्टमर वगैरह पता होगा तो सही है। हाँ यार लेस्टर एक बार तू ना बैनी से बातचीत कर ले और जो भी कस्टमर अगर बैनी ढूंढ लेगा तो हम लोग उसी को सेल कर देंगे, एम करेंगे हम लोग पूरा अपने 20 मिलियन डॉलर का, क्योंकि गाइस हम लोग गाड़ी को दुबई से लेकर के आए थे और जो उसकी कीमत अपने को 5 मिलियन डॉलर्स की पड़ी थी, लेकिन वही लॉस सैंटोस में आकर के ना 40 से 50 मिलियन डॉलर की हो जाती है। और यहाँ पर बैनी ने शायद से कॉल ही नहीं उठाया तो लेस्टर उसको शायद से मैसेज वगैरह कर रहा है। तो बाकी यार जो भी कीमत होगी हम तो 20 बोलेंगे, वो भी बहुत ज़्यादा कम बोल रहा हूँ गाइस। अपनी मैक्लारेन आपको पता होगा येलो कलर की बहुत ज़्यादा ओपी वाली गाड़ी। तो गाइस इस टाइम पर लेस्टर से मेरी पूरी बात तो हो गई है और फ्रैंकलिन तो पीछे की तरफ अपने फ्रेंड्स वगैरह को कॉल करके पैसों का जुगाड़ कह रहा है कहीं किसी से हो जाए तो। लेकिन लेस्टर कह रहा है कि यार जो बैनी का कोई भी कस्टमर उसके पास नहीं है, और बैनी कह रहा है कि वो जो पॉलिटिशियन है माइकल का फ्रेंड उसको हम लोग वो मैक्लारेन भेज सकते हैं 20 मिलियन डॉलर में, वो तो परचेज बहुत ज़्यादा आराम से कर ही लेगा क्योंकि उस पर पैसा बहुत ज़्यादा है। तो लेस्टर कह रहा है कि तू एक काम कर माइकल, जल्दी से ना मैक्लारेन को उठा, वो मेरे घर पर पड़ी है, तो यार अब जल्दी से मेरे को यहाँ से निकलना पड़ेगा। मैं तो बोल रहा हूँ कि फ्रैंकलिन यहाँ रह जाएगा, लेस्टर तू मेरे साथ चल। तो लेस्टर से एक बार फिर से हॉर्न मार के पूछते हैं, भाई सुन ले भाई लेस्टर मेरे साथ जल्दी चल। ओ भाई मान ही गया यार ये तो, मेरे को लगा कि ये मना करेगा। तो चलो गाइस अब जल्दी से ना लेस्टर को हम लोग साथ में लेकर के यहाँ से चलते हैं। गाड़ी लॉक है क्या, मेरे को तो ऐसे ही लग रहा है।
मैंने गाड़ी को अनलॉक तो कर दिया है और इस टाइम पर लेस्टर मेरे साथ बैठ गया है और जो अपनी मैकलेरन खड़ी है वो मेरे जो न्यू वाला घर है वहाँ पर खड़ी है। और ऑपरेशन गाइस 8 या 9 घंटे तो चलता ही रहेगा, तो अपने को ना जल्दी से अपनी गाड़ी को भगाना है आज के सारे पैसों का इंतजाम करना, नहीं तो जिमी की जान नहीं बच सकती। वैसे भी 60% चांस है, अब कुछ भी नहीं कह सकते भाई। मैं तो यही कह रहा हूँ कि एक बार जिमी सही हो जाए, और आप लोग भी जल्दी से कमेंट्स में लिखो कि जिमी सही हो जाए, कुछ भी लिख सकते हो गाइस। तो जल्दी से ना गाइस अपनी मैं गाड़ी को भगाता हूँ, यहाँ से चलता हूँ अपने न्यू वाले घर पर। ओके तो गाइस इस टाइम पर मैं अपनी गाड़ी को लेकर के पहुँच चुका हूँ लेस्टर के साथ अपने सीधा घर पर। और यहाँ पर ना एक मेरा गार्डनर है जो रहता है जब हम लोग यहाँ पर नहीं रहते हैं। तो देख रहे हो भाई, गार्डनर बहुत ज़्यादा ओपी है, फ्री टाइम तो रहता ही नहीं है, इस पर कुछ ना कुछ करता ही रहता है। और यहाँ पर पता नहीं, अच्छा गार्डनिंग कर रहा है भाई, सही है। और अपने को ना अपनी मैकलेरन को यहाँ से लेकर के जाना होगा। तो भाई जल्दी से ना लेस्टर तू मेरे साथ बैठ, अपनी मैकलेरन में बैठते हैं, सीधा हम लोग पॉलिटिशियन के घर पर चलते हैं। तो गाइस जल्दी से अपनी मैकलेरन को मैं ना यहाँ से फुल स्पीड में भगाने वाला हूँ। और जो पॉलिटिशियन का घर है वो आपको पता है, जो अपना मैलूबी मेंशन था उसके जस्ट क्लोज ही है। तो गाइस अब जल्दी से ना इसको मैं भगाता हूँ, और इतने दिनों के बाद तो आज मैं मैकलेरन को भगा रहा हूँ। और थोड़ा सा डर लग रहा है क्योंकि ये जो पिकअप है एक ही बार में बहुत ज़्यादा पकड़ लेती है, लेकिन सही है, अपने को यही तो गाड़ी चाहिए एमरजेंसी में, जिसकी स्पीड भी बहुत ज़्यादा तेज रहे। चलो गाइस इस टाइम पर मैं अपनी गाड़ी को पूरी फुल स्पीड में भगा करके पहुंच गया हूँ उस पॉलिटिशियन के घर के बहुत ज़्यादा क्लोज। तो जल्दी से ना चलते हैं उसके घर पर। देखो यार, हम लोग पॉलिटिशियन के घर पर गए थे, लेकिन यार उसके जो गार्ड्स हैं वो कह रहे हैं कि सर अभी मीटिंग में गए हैं तो शाम तक आएंगे, शाम को आ जाना। तो लेस्टर के फ़ोन से मैंने उसको कॉल करा, 10 बार उसको कॉल कर दिया, लेकिन उसने गाइस कॉल उठाया ही नहीं है। अब मेरे को नहीं पता कि एक मिनट लेस्टर भागा हुआ आ रहा है मेरे पास, और शायद से उसका कॉल आ गया है, मेरे को तो ऐसे ही लग रहा है। और लेस्टर से एक बार पूछते हैं क्या हुआ। ओ भाई, लेस्टर कह रहा है कि हाँ उसका कॉल आ गया है, तो जल्दी से बातचीत कर ले उससे। इस टाइम पर गाइस मेरी पूरी पॉलिटिशियन से बात तो हो गई है, और वो कह रहा है कि मैं ना एक लोकेशन आया हुआ हूँ। मैं बोल रहा हूँ कि सर कौन सी लोकेशन है, मैं वहाँ पर पहुँच जाऊँगा। कह रहा है कि थोड़ा गवर्नमेंट वाला काम है, तेरे को मैं कैसे बता सकता हूँ। तो मैं बोल रहा हूँ कि सर मेरे को इमरजेंसी पैसों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि ना मेरे को पैसे चाहिए। तो कह रहा है तो तेरे को मेरे से क्यों पैसे चाहिए, मैं क्या तेरा कोई रिश्तेदार लग रहा हूँ क्या। तो मैंने बोला देखो सर मेरे को पैसे चाहिए बस, मेरे को नहीं पता क्योंकि मेरे लड़के का एक्सीडेंट हो गया, ऐसा ऐसा सीन है। तो कह रहा है देख मेरे पास पैसा नहीं है। तो मैंने बोला मेरी गाड़ी सेल करवा दो फिर अगर किसी को। तो कह रहा है कितना प्राइस है तेरी गाड़ी का। मैंने कहा $20 million। तो कह रहा कोई दिक्कत की बात नहीं, एक बार तो अपनी गाड़ी मेरे पास लेकर के आ जा जहाँ पर मैं हूँ। तो उसने एक लोकेशन बताई है, तो कह रहा है कि ठीक है जल्दी से पहुंच उधर। गाइस इस टाइम पर मेरे को पॉलिटिशियन का कॉल आया था, और वो कह रहा है कि देख मेरे को कोई अर्जेंट मीटिंग आ चुकी है, और वो तो ना उस लोकेशन से भी किसी और मीटिंग में गया है। और उसने बोला कि मेरी वाइफ का तेरे को मैं घर बता रहा हूँ, वहाँ पर वो इस टाइम पर है, उनके बहुत ज़्यादा घर हैं लेकिन वो इस वाले हाउस में है। तो जल्दी से ना हम लोग वहाँ पर पहुँच गए हैं, और जो उसकी वाइफ है वो ना अपने से ये गाड़ी खरीद लेगी। तो मैंने बोला देखो सर $20 million चाहिए। कह रहा है कि जितना मेरी वाइफ बोलेगी ना उतना ही मैं दे सकता हूँ, मतलब भाई जो भी सीन है जैसे भी उसकी गाड़ी लगेगी वो करेगी सब कुछ। तो लेस्टर कह रहा है कि इसकी सिक्योरिटी से मैं बात कर लूँगा। तो नहीं भाई तू लेस्टर तू भी कर ले, चल मैं भी कर लेता हूँ। तो सर देखो मेरा नाम है माइकल और ये मेरी गाड़ी है मैकलेरन, इससे मैं क्या बातचीत कर रहा हूँ। तो जल्दी से ना यार अपने मैम को बुला जिसको मैंने गाड़ी दिखानी है। तो देख रहे हो कह रहा कि वो बस आ ही रही हैं। ओके तो गाइस शायद से ये वो वाइफ है मतलब उसकी, तो इनसे बातचीत करते हैं। हेलो मैम कैसे हो, अपने को एक गाड़ी सेल कर दी है। तो ये कह रही है कि ठीक है गाड़ी मैकलेरन है, पहले मैं उसकी टेस्ट ड्राइव लूँगी और उसको देखूँगी अच्छे तरीके से, उसके बाद मैं तुम्हें पैसे पे करूँगी। तो मैंने इसको ना प्राइस भी बता दिया कि $20 million। हाँ मैम यही गाड़ी है, यही वो गाड़ी है कमाल की जिसको मैं सेल करने वाला हूँ, और जल्दी थोड़ा सा इमरजेंसी है मेरे को, आपको जो भी करना है ना जल्दी से करो। और भाई ये तो टेस्ट ड्राइव लेने के लिए जा चुके हैं। एक मिनट उड़ा मत देना मैम मेरे को, जल्दी से ना मेरे को भी जाना है साथ में कहीं, भाई लेकर ही फरार हो जाए, कहीं पता चले पॉलिटिशियन की वाइफ ये नहीं है कोई और ही थी। लेकिन ये तो मैं बस वैसे ही बोल रहा हूँ, ये वो पॉलिटिशियन की वाइफ है लेकिन लेडीज है भाई, मेरे को तो नहीं लग रहा कि ये खतरनाक तरीके से ड्राइव भी कर पाएगी। भाई देखो इस टाइम पर ये बहुत ज़्यादा स्पीड में गाड़ी को तो ड्राइव कर रही है। मैं इसको बोल रहा हूँ मैम एक काम करो, आप बस इसको रिवर्स मोड़ो, गाड़ी में कोई भी दिक्कत नहीं है, गाड़ी बहुत ज़्यादा ओपी है। और यहाँ पर गाइस ये तो ना गाड़ी को बहुत ज़्यादा ड्रिफ्ट मार रही है, और भाई 360 इसने गाड़ी को घुमा दिया है। लेकिन मेरे को लग रहा है कि ये पुराने टाइम में बहुत ज़्यादा तगड़ी रेसर रह चुकी है। और इस टाइम पर ये कह रहे हैं कि आप सर चिंता मत करो,
बस मैं तुम्हें अपने घर पर पहुंचा दूंगी और मेरे को ये गाड़ी पसंद आई है, तो मैंने बोला 20 मिलियन डॉलर की ये गाड़ी है, आप बताओ कितना पे करोगे। ओ भाई पूरा इसने ड्रिफ्ट मारी है। तो कैसी लगी मैम आपको ये वाली गाड़ी, मेरे को तो लग रहा है आपको तो पसंद आएगी ये गाड़ी, तो एक बार इससे बातचीत करते हैं। तो मैम बताओ जल्द। ओ भाई ये क्लैप कर रही है, कह रही है कि सही में माइकल तेरी गाड़ी बहुत ज़्यादा ओपी है, और जिसका हस्बैंड है पॉलिटिशियन उससे इसकी पूरी बात हो गई थी और ये कह रही कि हम तुम्हें 15 मिलियन डॉलर्स देंगे। यार कम है लेकिन चलेगा, ठीक है मैम आप जा करके पैसे ले आऊँ अंदर से। गाइस यार 15 मिलियन डॉलर कम है लेकिन एमरजेंसी में जो पॉलिटिशियन है ना उसने भी पूरे का पूरा फ़ायदा उठाया अपना, तो वो जा चुकी है अंदर और 15 मिलियन डॉलर्स ले आएगी। जब वो ब्रीफकेस लाएगी उसके बाद ना अपने को यहाँ से निकलना होगा। और लेस्टर भाई सिक्योरिटी वाले से ही पूरा लगा हुआ है बातचीत करने में, ये नहीं है कि टैक्सी वगैरह बुक करें, और हमें यहाँ से जाना होगा हॉस्पिटल पर। और देखते हैं भाई पहले ना उस आंटी का वेट कर लेते हैं जो भी पैसे पे करेगी, उसके बाद हम लोग यहाँ से निकलने वाले हैं। पर मेरी लेस्टर से पूरी बात हो गई है, लेस्टर कह रहा है वो तो बात की बात है माइकल, चाहे हम लोग टैक्सी बुक करवाएं चाहे अपना कोई फ्रेंड अपने को लेने आए, लेकिन ये आंटी पता नहीं कितना ज़्यादा टाइम लगा रही है भाई 15 मिलियन डॉलर। ओ भाई मैम आ गए हैं यहाँ पर, कोई दिक्कत की बात नहीं है, तो जल्दी से आओ मैम हमें पैसे दो और हमें यहाँ से निकलना है, थोड़ी इमरजेंसी है। तो सही है यार इस टाइम पर इसने अपने को बैग दे दिया है, और हाँ यार ये गाड़ी इसकी हो गई है, तो सही है लेस्टर अब बोल, बहुत ज़्यादा दिमाग लगा रहा था ना, अब तेरा दिमाग कहाँ पर है, टैक्सी बुला नहीं तो किसी अपने फ्रेंड को बुला, हमें निकलना होगा इधर से। उसको देख लो गाड़ी अभी इसने ले ली है और अभी से ना ये पिक्चर्स वगैरह अपलोड करनी शुरू हो गई है, तो सही है भाई उसको एक्साइटमेंट है क्योंकि इसके पास गाइस ऐसे भी एक रेंज रोवर है, उसको तो देख करके मेरा पूरा दिमाग ही खराब हो गया है, मन तो करता ना भाई क्या ही सीन है यार छोड़ो, अब जल्दी से ना यहाँ से निकलते हैं और अपने को टैक्सी वगैरह बुक करनी पड़ेगी। और लेस्टर कह रहा है कि ठीक है यार मैं जल्दी से अभी टैक्सी को बुक कर देता हूँ जो अपने को ले चलेगी हॉस्पिटल पर, लेकिन अभी भी ना पैसे बहुत ज़्यादा कम है, 15 मिलियन हमने पे कर दिए हैं, 15 अपने हाथ में है और समझो गाइस 30 मिलियन होता 31 मिलियन डॉलर हमने पे कर दिया है, लेकिन अभी भी ना 20 मिलियन डॉलर की अपने को ज़रूरत है और वो भी चाहिए होगा। तो लेस्टर कह रहा है कि जो अपने एयरपोर्ट का हैंगर है हम लोग उसको सेल कर सकते हैं, तो उससे भी अपने को अच्छा खासा पैसा मिल जाएगा, और जल्दी से ना एक बार मैं मैनेजर से बात खुद ही कर लेता हूँ। तो ठीक है भाई मेरी बात सुन लेस्टर, टैक्सी छोड़, टैक्सी मत बुक करवा, हम लोग कोई गाड़ी चुरा लेते हैं, मैं भूल ही गया था भाई हम लोग चोर हैं, अब ये गाड़ी खड़ी है और लेकिन ये थोड़ा सा ना आगे आ जा मेरे पीछे आ जा लेस्टर, हाँ भाई मेरे पीछे आ रहा है, और ये गाड़ी को अभी हम लोग नहीं चुरा सकते क्योंकि ये जो एरिया, अबे तू पागल है क्या, ये एरिया ही पॉलिटिशियन का भाई, अब जल्दी से अपने को चलना चाहिए आगे की तरफ। और भाई मैं खुद भूल गया था और लेस्टर के भी दिमाग से निकल गया था, ये एरिया पूरे पॉलिटिशियन का। चलो गाइस फाइनली हमें गाड़ी मिल गई है और ये एसयूवी में हम लोग बैठते हैं, लेस्टर भी आ रहा है, और जैसे कि मैंने बोला था ये एरिया पॉलिटिशियंस मतलब जितने भी आस पड़ोस हैं वो हैं, और ये देख रहे हो ये डर गए हैं पूरे क्योंकि इतने वीआईपी एरिया में रॉबरी हो गई है, ये लोग भी सोच रहे होंगे कि भाई पुलिस कहाँ पर है, इससे पहले कि पुलिस आ जाए हमें भी यहाँ से अपनी गाड़ी को लेकर के ना एयरपोर्ट के लिए निकल लेना चाहिए। और मेरे को बहुत ज़्यादा दुख हो रहा है, आज हमने अपनी मैकलैरन को सेल कर दिया और अब भी हम लोग अपने हैंगर को सेल करने जा रहे हैं, जल्दी से चलते हैं भाई लाइफ बच जाएगी जिमी की, और क्या ही अपने को चाहिए, भगाता हूँ अपनी गाड़ी को, निकलते हैं सीधा एयरपोर्ट के लिए। ओके तो गाइस इस टाइम पर मैं एयरपोर्ट पर तो आ गया हूँ अपनी गाड़ी को लेकर के, और मेरी बॉस से बात तो हो गई है एयरपोर्ट के, और वो बोल रहा है कि मैं ना बैक साइड पे हूँ, क्या दिक्कत है माइकल, तो मैंने बोला दिक्कत तो बहुत ज़्यादा बड़ी है। और फाइनली हम लोग उस लोकेशन पर पहुँच गए हैं, वो ना इस टाइम पर कुछ वर्क वगैरह कर रहा है, मतलब कह रहा है कि मैं ना सारे सिग्नल्स वगैरह चेक कर रहा हूँ कि फ्लाइट्स वगैरह सही टेक ऑफ हो रही है, लैंड हो रही है सब कुछ, तो जल्दी से ना गाइस हम लोग भी चलते हैं ऊपर की तरफ। एक तो गाइस बहन है ना यही कपड़े 2 दिन से डाले हुए हैं, एक कैप्री और ऊपर एक टी शर्ट, तो अब मैं क्या करूँ, सिचुएशन कुछ ऐसी है। और बाकी मैं फ्रैंकलिन को कॉल कर रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ कि बस मैं तेरे पास पैसे लेकर के पहुँच रहा हूँ, और ये जो हैंगर है इसके मैं 50 मिलियन डॉलर बोलूँगा, क्योंकि ना यार अपने प्लेन्स भी हैं सब के सब हैंगर है, और एयरपोर्ट का बॉस बहुत ज़्यादा बढ़िया दिल का है, मैं सही बता रहा हूँ गाइस, ये अपने को 50 के बदले कहेगा ठीक है अगर तेरा लड़का बीमार है तो तेरे को 60 या 70 मिलियन डॉलर दे रहा हूँ क्योंकि पूरा एयरपोर्ट इसका है। तो सर मेरी बात सुनो यहाँ पर, और देखो गाइस इससे ना पूरी हम लोग बातचीत करेंगे, गाइस इससे मेरी पूरी बात हो गई है और जो भी मेरी प्रॉब्लम है मैंने सारी इसको बता दिया। ये कह रहा है कि माइकल 50 मिलियन डॉलर, तेरा दिमाग तो सही है,
ये जो जगह है पहले हुआ करती थी $50 मिलियन की, और इस टाइम पर जो इसकी कीमत है वो है $20 मिलियन की। लेकिन गाइस ये ना मौके का मेरे को लग रहा है कि फ़ायदा उठा रहा है। मेरे को लगा था कि ये दिल का बहुत ज़्यादा बढ़िया है, लेकिन ये मौके का फ़ायदा उठा रहा है। कह रहा है कि अगर 20 मिलियन चाहिए तो इसी टाइम पर मैं तेरे को दे सकता हूँ, और तो अपने लड़के को जा करके उसका इलाज वगैरह करवा सकता है। क्योंकि भाई अब मैं क्या ही बोलूँ, तो मैंने बोल दिया ठीक है, तो $20 मिलियन दे दे ले आ करके, और ये जो वर्कर्स है ये इसके ऑफिस में जाएगा और अपने को $20 मिलियन ले आ करके दे देगा। ठीक है यार, इसने मौके का फ़ायदा तो उठा लिया है। मेरे को लगा था कि ये दिल का बहुत ज़्यादा बढ़िया है। और ये देखो गाइस, इस टाइम पर देखो ये कह रहा है कि कैश इस टाइम पर ना इसके पास इतना नहीं होगा, तो इसने बोला कि मैं तुम्हें ना ऑनलाइन पेमेंट कर देता हूँ तुम्हारे डायरेक्ट बैंक में। मेरा अकाउंट तो हैक कर लिया किसी ने, मतलब उसी बंदों ने, तो लेट्स टू ना सारी पेमेंट करवा लिया है। और भाई अब जल्दी से अपने को ना चलना चाहिए इस टाइम पर हॉस्पिटल पर, क्योंकि इस टाइम पर अपने पास पूरे $15 मिलियन तो अपने को पॉलिटिशियन की वाइफ ने दे दिया था और 20 इसने दे दिया, तो इस टाइम पर अपने पास हो गया है $35 मिलियन। तो जल्दी से ना इस टाइम पर हम लोग निकलते हैं, और बाकी अपनी सस्ती सी गाड़ी वो रही, देखो मैक्लेरन बेच दिया, हैंगर बेच दिया, जो भी वेयर हाउस था मतलब एयरपोर्ट का अपना वो गया है, और हैंगर में अपने सारे जितने भी अपने पास प्लेन थे ना महंगे महंगे वो भी जा चुके हैं। तो ड्रग्स का जो काम था वो थोड़ा बहुत इधर उधर से तो चल ही लेता था बिना बॉस को पता चले, लेकिन यार देख लूँगा भाई, एक तो पॉलिटिशियन को मैं देखूँगा मौके पर, और ये जो बॉस है ना पॉलिटिशियन की वाइफ में तो फिर भी अपने को $15 मिलियन पे कर दिए थे, लेकिन इसने ना भाई बिल्कुल पेमेंट ही गिरा दी। 50 बोला था इसको, मेरे को लगा कि 60 या 70 तो देगा ये अपने को पे करेगा, लेकिन भाई इसने मौके का बहुत कंधे वाला फ़ायदा उठाया है, अपने को आधे से भी आधे पे करे हैं। अब मेरा एयरपोर्ट निकल निकली इधर से, अब तो एयरपोर्ट से मेरा कोई लिंक नहीं है ना, अब तो ये जो पुलिस है ना ये भी कुछ ज़्यादा चोरी हो, चल निकल इधर से, मेरा पूरा भाई दिमाग बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया है। और अभी अपने को ना जाना है टूलबॉक्स पर, और उसके बाद अपने को पुलिस स्टेशन भी जाना होगा, फाइन वगैरह पे करना होगा, अपनी रेंज रोवर को वापस लेकर के आना होगा। तो भगाता हूँ अपनी गाड़ी को यहाँ से, चलता हूँ सीधा पिल बॉक्स पर। चलो यार इस टाइम पर मैं अपनी गाड़ी को लेकर के पहुँच गया हूँ सीधा पिल बॉक्स पर, और ब्रीफ केस में $15 मिलियन है, $20 मिलियन अपने पास ऑनलाइन है, तो जल्दी से ना मैं इसको पे कर दूंगा, और यहाँ पर बाकी रोकता हूँ गाड़ी को। लेस्टर यार इसको एक काम कर, थोड़ा सा ना उधर की तरफ पार्किंग में लगा दें, कहीं अपना फाइन वगैरह ये लोग काट दें। तो जल्दी से मैं चलता हूँ अंदर, और यार सारे के सारे पेमेंट इनको कर देते हैं, और लेस्टर का मोबाइल भी मेरे पास है तो इन मैम को ना पूरी पेमेंट कर देता हूँ। यार मैंने इन मैम को पूरी पेमेंट तो कर दिया, और ये कह रही एक बार सर आपको ही मैं कॉल करने लगी थी, और आपका फ़ोन तो यहीं कहीं है, पर इसको क्या ही पता मेरा फ़ोन वो नहीं है, तो अपने को इनके सीनियर डॉक्टर से बातचीत करनी पड़ेगी, और ये है वो डॉक्टर, मतलब ये पूरे डॉक्टर्स का हेड है, तो एक बार इनसे बात करते हैं। ओके तो गाइस इस टाइम पर मेरी इससे पूरी बात तो हो चुकी है, ये जो सर हैं ये बोल रहे हैं देखो माइकल सर आपका जो सन है 60-70% तक बढ़ गया उसका केस, मतलब 70% तक वो सीरियस है, और शायद ही हम लोग उसको बचा पाए। तो मैंने बोला कि सर देखो पेमेंट मैंने आपको पूरी कर दिया, मेरे को नहीं पता, कह रहा कि पेमेंट अगर हो जाती पूरी, मतलब पूरी तो हो गई, अगर पेमेंट से बंदा बच सकता है तो मैं आपको बोलता कि आप $100 मिलियन दे दो तो बच जाएगा आपका लड़का अभी के अभी। और भाई क्या ही बोलूँगा, मेरे को कुछ भी समझ नहीं आ रहा है, और फ्रैंकलिन को बोलता हूँ तब तक तू ना यार हॉस्पिटल का ध्यान रख, मतलब हॉस्पिटल का क्या ध्यान रखेगा, झाड़ू पोछा थोड़ी मारेगा, मतलब ट्रेसी जिमी एंड अमेंडा का तीनों का ध्यान रखेगा, तो इससे बात करते हैं। गाइस मेरी इस टाइम पर इससे पूरी फ्रैंकलिन से बात तो हो गई थी, और ये कह रहा कि ठीक है तो पुलिस स्टेशन का काम निबेड़े आए एक बार, और मैं पूरा इन तीनों का ख्याल रखूंगा। तो सही है भाई लेस्टर, इस टाइम पर ना जल्दी से गाड़ी को भगा, और अपने को जाना होगा इस टाइम पर पुलिस स्टेशन पर, क्योंकि ना वहाँ से भी मेरे को कॉल आ रहे हैं, मैंने फ्रैंकलिन का नंबर दिया था तो फ्रैंकलिन ने अब मेरे को बताया है। तो जल्दी से ना गाइस हम लोग अपनी गाड़ी को यहाँ से भगाते हैं, और चलते हैं सीधा उस पुलिस स्टेशन के पास, और बाकी लेस्टर भगाएगा, मैं कैसे भूल गया था। तो भगा भाई लेस्टर, पुलिस स्टेशन ना अपने क्लोज ही है तो भी दिक्कत की बात नहीं आने वाली। तो देखते हैं भाई, लेस्टर की ड्राइविंग भी आप देख ही लो गाइस, बहुत ज़्यादा लिमिट में चला रहा है भाई, इसको समझा रखा है मैंने कि थोड़ा सा आराम से चला, देरी हो जाएगी वो चलेगा लेकिन एक्सीडेंट नहीं चलेगा, अब तो भाई डर लगने लग गया एक्सीडेंट से। चलो गाइस यार फाइनली लेस्टर हमें लेकर के तो पुलिस स्टेशन तक तो पहुंच ही गया है, और जल्दी से अपनी गाड़ी को अपने को ना आगे की तरफ से पार्किंग में लगाना होगा। लेकिन एक काम कर लेस्टर भाई, मेरे को लग रहा है कि ना इसको, हाँ ये रास्ता सही है, यही जा रहा है लेस्टर, वही वाला रास्ता, क्योंकि ना हमें पुलिस स्टेशन से कॉल आया था और फ्रैंकलिन का लेस्टर को कॉल आया, तो लेस्टर को वो बोल रहा है कि उनका LSPD का बैक साइड का डोर है तो चुपचाप से वहाँ से चले जाओ। तो फाइनली हम लोग पहुँच तो चुके हैं यहाँ पर, और देखो गाइस ये जो क्रोम कलर की गाड़ी है ये रही है अपनी गाड़ी, और कितना ज़्यादा
क्या भाई, एक गाड़ी इतना ही ली थी भाई, अभी कुछ ही दिन हो रहे हैं और कैसी गंदी सी हालत इसकी हो गई है। अब छोड़ो भाई, ये गाड़ी अपने लिए बहुत ज़्यादा बेकार है। आ जा लेस्टर यार, या तो तू बाहर ही रुकेगा या साथ आएगा, मेरे को ये समझ नहीं आ रहा। तो लेस्टर कह तो रहा है कि मैं तेरे साथ आऊँगा, तो चलो सही है। लेस्टर एंड मैं, हम दोनों लोग आ तो चुके हैं सिटी ऑफ लॉस एंजेलोस पे। तो देख गाइस, हम लोग इधर से तो मतलब सोचते हैं कि पुलिस के हाथ कभी ना आए, लेकिन आज आना पड़ा अपने को। इस टाइम पर अपने खिलाफ कोई भी क्राइम नहीं है, क्योंकि ना गाइस, हम लोग पुलिस को जो भी देखता है अपने को, उसको हम लोग मार देते हैं। तो कोई बंदा क्यों नहीं दिख रहा है यार मेरे को, एक तो इन्होंने मेरे को कॉल करके बुलाया। तो रुक भाई लेस्टर, तो यहीं वेट कर थोड़ा सा, मेरे को ऊपर की तरफ जाने दे और मैं उनसे जा करके ना बातचीत करता हूँ कि जो भी यार चार्जेस वगैरह हैं आप लोग करो, हमारी गाड़ी को हमें दे दो। और ये किस वाले रूम में, मैं किसी गलत ही रूम में चला गया हूँ। और पुलिस वाले बाहर की तरफ हैं यार, मैं बिल्कुल पीछे से आया हूँ घूम करके, तो इनसे ना एक बार बातचीत करता हूँ चल के। चलो गाइस, लेस्टर ने इनको $200 पे कर दिए हैं, मतलब जो 200 है सही है भाई, इंडिया के 14,000 रुपये इन्होंने पूरे पे कर दिए हैं इनको। तो हमें भी यहाँ से निकल लेना चाहिए। आ जा भाई लेस्टर, और बस इनके फालतू मुंह नहीं लगने वाले। ये कह रहे हैं कि ठीक है, तुम्हारी ब्रांड न्यू गाड़ी पीछे की तरफ खड़ी है ट्रक में, और वो ट्रक तुम वापस कर देना, या तो पता नहीं क्या सीन है, ट्रक के बारे में इतना ही बोला बस। अब जल्दी से ना हम लोग चलते हैं, अपने ट्रक को उठाते हैं और वो जो पूरी क्रोम गाड़ी है अपनी रेंज रोवर, उसको लेकर के निकलते हैं। ओके, तो ये है वो रास्ता जहाँ से मैं लास्ट टाइम आया था। और अपने को ना गाइस, इसको बैनी के पास ले जा करके दे देना चाहिए, और बैनी इसको पूरा रिपेयर कर देगा। तो क्या गंदी हालत हो गई है भाई, सही में बहुत ज़्यादा बेकार हो गया है। तो लेस्टर बैठ भाई साथ में, एक मिनट यार, तो गेट खोल, गेट खोल, मैं इसको निकालता हूँ बाहर, क्योंकि ना गेट ज़्यादा ज़रूरी है, कहीं ठोक ओक दूँ मैं पुलिस स्टेशन के अंदर इस ट्रक को तो कुछ ज़्यादा बड़ी दिक्कत हो जाएगी, और कहीं अपना चालान कट जाए, कहेंगे तुम्हें तो ड्राइविंग भी बढ़िया नहीं आती है। तो जल्दी से ना गाइस, इस ट्रक को हम लोग भगाते हैं, और यहाँ से ना इस टाइम पर मैं इसको लेकर के चलूँगा बैनी के शोरूम पर, या तो बैनी को मैं कॉल कर लूँगा, जहाँ भी बैनी बोलेगा ना हम लोग उसको ये वाली गाड़ी दे देंगे। और इतनी ज़्यादा बढ़िया गाड़ी थी, मैं तो बार बार बोल रहा हूँ। और ये क्या गंदी सी यार, बहुत ज़्यादा धुआं निकल रहा है इसमें, क्या गंदी सी इसकी हालत हो गई है। तो चलो गाइस, कोई दिक्कत की बात नहीं है, बैनी जब इसको सही कर देगा ना, फिर देखते हैं क्या करना है। तो जल्दी से अपने ट्रक को भगाता हूँ, लेकर के चलता हूँ इसको सीधा बैनी के शोरूम पर। देखो गाइस, मैंने बैनी को फ़ोन कर दिया था और वो मेरी बताई हुई लोकेशन पर पहुँच गया है। लेस्टर कह रहा था कि उससे ना अपनी गाड़ी मंगवा ले कोई, तो लंबोर्गिनी कालकैच लेकर के ना बैनी यहाँ पर पहुँच गया है, और उसको मैं ये ट्रक दूंगा चलाने के लिए, वो ट्रक लेकर के अपने शोरूम पर चला जाएगा। और लेस्टर कह रहा है कि थोड़ा बहुत पैसा और भी अपने हाथ में रखते हैं, क्योंकि ना गाइस हॉस्पिटल की बात है, क्या पता चलता है ट्रेसी और अमेंडा का भी, अभी जितना खर्चा लगाया जिमी का ऑपरेशन और ज़्यादा महंगा हो जाए, बाकी कुछ भी नहीं कह सकते। और फिर ना अपने को पैसे तो चाहिए होंगे, क्योंकि इस टाइम पर $0 है अपने हाथ में, कुछ भी नहीं है, $1,000-$2,000 होगा वो अलग बात है, अपने को थोड़े और पैसे चाहिए तो तभी बात बनेगी। तो जल्दी से ना इस टाइम पर मैं उतर तो गया हूँ, और बैनी ना उसको जा करके मैं बोल देता हूँ कि ना ट्रक को लेकर के चला जाए, और मैं लेस्टर के साथ यहाँ से काउटैच में बैठ करके चला जाऊँगा। मैंने इस टाइम पर बैनी को बोल दिया है कि तू ट्रक को लेकर के चला जाए यहाँ से, और बैनी कह रहा है कि ठीक है, मैं इसको ना 2-3 दिन में पूरा रिपेयर कर दूंगा। अब जल्दी से अपनी काउटैच को बैठते हैं और ये चलाने वाला है भाई, तो सही है भाई, लेस्टर ड्राइव कर लेगा। ठीक है भाई बैनी, उसको आराम से ले जा, उसको रिपेयर वगैरह कर दे। मन तो कर रहा कि उसको मैं पानी में फेंक जाऊँ, लेकिन नहीं, सबसे महंगी अपनी गाड़ी है, ऐसा हम लोग नहीं करने वाले। तो जल्दी से ना इस टाइम पर हम लोग पैसा लेने के लिए चलते हैं। देखो यार, मेरे को कुछ भी समझ नहीं आ रहा है कि क्या हो गया है। अभी ना फ्रैंकलिन का लेस्टर को कॉल आया था, और वो बोल रहा है कि जो डॉक्टर्स हैं वो कह रहे हैं कि जो उसका ब्लड ग्रुप है, एक तो वो सबसे अलग है, और वो जो ब्लड है उनके पास भी अवेलेबल नहीं है। तो उन्होंने ना ब्लड बैंक चेक करा है अलग अलग लॉस एंजेलोस में, लेकिन यहाँ पर तो किसी के पास भी नहीं है। कह रहे हैं कि अगर इसकी जान बचानी है तो तुम्हें ना एक अलग सी लोकेशन पर जाना पड़ेगा, मतलब वो डॉक्टर से हम लोग बातचीत कर लेंगे अभी फ़ोन पे, या तो कोई और कंट्री जाना पड़ेगा, या तो कहीं आइलैंड पर जाना पड़ेगा जहाँ पर ब्लड ग्रुप उसका मैच हो करके पूरा वो हम लोग ब्लड ले आए। तो गाइस, ये हम लोग करेंगे अगली वाली वीडियो में। तो अगर आपको ये वाली वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को जाकर के जरूर से लाइक कर देना, चैनल पर चैनल को भी जरूर से करो सब्सक्राइब। लाइक के मैं आपको 10,000 का बोला है, बहुत ज्यादा कम, तो जल्दी से कंप्लीट करवा दो। तो गाइस, इस वीडियो में इतना ही, अगर आपको ये वाली वीडियो अच्छी लगी तो जाकर के लाइक करो, चैनल को करो सब्सक्राइब। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय गाइस, लव यू ऑल।